सो नमस्ते प्यारे बच्चों, अब नेशनल इनकम की हम थ्योरी शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल इनकम की थ्योरी चार पार्ट में डिवाइड है। ये एक बुक में एक साथ हो सकती है, तीन पार्ट में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है। बहुत से टीचर बोलते हैं इसके कोई पार्ट नहीं होते, पर रोहित सर पर पढ़ोगे तो रोहित सर ने नेशनल इनकम की थ्योरी के चार पार्ट बना रखे हैं। और सबसे पहले रोहित सर अभी पार्ट टू करा रहे हैं, पार्ट टू पहले कर रहे हैं, फिर पार्ट थ्री करेंगे, फिर फोर और फिर वन, क्योंकि इनका एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? वन टू थ्री फोर नहीं है, ठीक है जी। थ्योरी के अंदर पहले टू करेंगे, रोहित सर ने अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन बना रखे हैं, पर सारा कोर्स और सिलेबस इसी में कवर है, कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पार्ट टू करेंगे, लिख लेना ऊपर पार्ट टू नेशनल इनकम थ्योरी। इस पार्ट टू में 10 क्वेश्चन है। क्लियर है? आज हम इस वीडियो में चार क्वेश्चन कर रहे हैं, हर दिन चार चार क्वेश्चन करेंगे और कम से कम हमें 40-50 क्वेश्चन करने हैं नेशनल इनकम के थ्योरी के अंदर। मात्र तीन नंबर की थ्योरी है, पर भैया थ्योरी तो है। क्लियर है? बहुत सारी थ्योरी हमें जो पढ़नी है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पार्ट टू की थ्योरी कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो है चार क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन रजिस्टर में नोट डाउन रखें कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आज का जो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, ये पहला है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ठीक है। ये क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। प्यारे बच्चों, फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आया है, ठीक है, लेट से प्लास्टिक, ये इंटरमीडिएट गुड है। उस प्लास्टिक से बॉल बनाई गई है, ये फाइनल गुड है, ठीक। अब ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग से सुन लेना, मतलब दिमाग से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कान से सुन लेना, आई एम सॉरी। तो क्वेश्चन बनते हैं कि एक रेस्टोरेंट चीनी लेके आया, तो बताओ क्या है ये। तो एक रेस्टोरेंट अगर चीनी लेके आया है तो ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि रेस्टोरेंट उससे कुछ बनाएगा, कॉफी, मिठाई या कुछ भी बनाएगा, रेस्टोरेंट या वो समझ लीजिए मिठाई की दुकान, उससे बनाएगा और फिर बेचेगा। अगर कोई पूछे लड्डू क्या है, वो फाइनल गुड है। हम अपने घर में चीनी लाए, फाइनल गुड। हम अपने घर में किसी को चाय बना के बेचते थोड़ी है, खुद ही पीते हैं। तो याद रखना, इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिससे दोबारा कोई गुड बनेगा, फाइनल गुड वो गुड होता है जो यूज होता है। क्लियर है बच्चों? अगली बात, इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता और फाइनल गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। एक नंबर में टीचर ऐसे क्वेश्चन देगा। क्लियर है? कैसा क्वेश्चन? टीचर कहेगा तुमको कि भाई शुगर परचेज बाय रेस्टोरेंट तो इंक्लूड नहीं होगा, शुगर परचेज बाय हाउसहोल्ड इंक्लूड होगा, ठीक है। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा भाई पहला डिफरेंस रोहित सर ने, ध्यान से देखना। पहला डिफरेंस है, दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। सही बात है भाई, मैंने बताया ना, दूसरी चीज बनाने के लिए ये किया जाता है। रेस्टोरेंट चीनी लाया ताकि चीनी से लड्डू बना सके, मतलब चाय बना सके, कॉफी बना सके और बेच सके। लिखा दे आर यूज फॉर फाइनल कंजप्शन, हम अपने घर में लाए हैं चीनी तो ये फाइनल यूज है। तो हमारे घर में तो सीधा हम चीनी बनाएंगे और बेचेंगे नहीं, मतलब उससे चाय बनाएंगे और पी लेंगे, ठीक है। अगला लिखा दे आर मेंट फॉर रीसेल, ये बड़ी याद रखना, रीसेल का मतलब दोबारा बेचने के लिए, और इसमें वैल्यू ऐड होती रहती है। वैल्यू ऐड का मतलब है, कैसे बेचता है एक क्या नाम रेस्टोरेंट कॉफी, ऐसे ली चीनी दूध लाया 20 रुपए की, 50 रुपए की बेच दी, तो अपनी वैल्यू मतलब चीजें खरीद के और वैल्यू ऐड कर दी। हम ऐसा थोड़ी करते हैं, घर में जा रहे हैं 20 की चीनी आई, 30 की आई, कॉफी बनाई, चाय बनाई, पी गए, मस्त है। तो इसमें कोई वैल्यू एडिड नहीं होती क्योंकि ये रीसेल के लिए नहीं होता। तो दिस आज नॉट फॉर रीसेल, रीसेल दे आर यूज फॉर प्रोड्यूस गुड्स, दे आर नॉट फॉर यूज फॉर प्रोड्यूस गुड, ये फाइनल गुड है, इसको तो खाया ही जाएगा बस डायरेक्ट। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, जो फैक्ट उसमें रेस्टोरेंट में चीनी आई है या किसी मिठाई वाले की दोनों चीनी, वो भी तो खाई जाएगी। अरे उस चीनी से कुछ और बनेगा, तो भैया उसके लिए वो चीनी, सेंस समझना, उसके लिए चीनी इंटरमीडिएट है, हमारे लिए तो कंजप्शन है क्योंकि वो उसे आगे बेचेगा। तो किसी चीज को बना के आगे बेचा जाए तो वो इंटरमीडिएट होता है। अगला, दे रिमेन विद प्रोडक्शन बाउंड्री, फैक्ट्री के अंदर ही होता है। अब मिठाई की दुकान में जो मिठाई है कहाँ बनती है, दुकान के अंदर, ठीक है ना, और जब तैयार हो जाती है तो कहाँ चली जाती है, बिक के बाहर। तो फैक्ट्री के बाहर कौन सा गुड जाता है, हमेशा फाइनल गुड। तो रिमेन द आउटसाइड द बाउंड्री, क्लियर है। इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ लिखा मिल्क यूज बाय स्वीट शॉप फॉर रीसेल, तो ये इंटरमीडिएट है। और अगर मिल्क कोई परिवार वाला लाया तो कौन सा गुड है, फाइनल। तो पहला क्वेश्चन दोबारा करते हैं, इसमें ऐसा कभी नहीं आता, मैंने बहुत बार देखा है कि इंटरमीडिएट गुड है फाइनल गुड में डिफरेंस बताओ, आ गया तो चलो ठीक है, बहुत कम चांस है। एक नंबर में आता है, शुगर परचेज बाय रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप, तो इट्स नॉट इन
इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज फॉर अ रीसेल, और शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड इट इज इंक्लूड इन नेशनल बिकॉज इट इज यूज एज अ फाइनल गुड। तो याद रखना जल्दी जल्दी कि बच्चों इंटरमीडिएट गुड जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में काम आता है, और फाइनल गुड फाइनल कंजप्शन में काम आता है। ये रीसेल के लिए होता है, ये रीसेल के लिए नहीं होता। ये फैक्ट्री के अंदर होता है, ये फैक्ट्री के बाहर होता है। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसको करते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर कर दिया, क्योंकि मिल्क वाले दुकान वाले दोबारा दूध रखेंगे, उससे चाय बनाएंगे या चीनी लाएं तो वो बनाएंगे और दोबारा बेचेंगे। तो जो चीज़ दोबारा रीसेल के लिए होती है ना बच्चों, खरीदी इसलिए गई थी रीसेल करनी है, तो वो इंटरमीडिएट है। और जो फाइनल है, यूज होगा, खाओ और भूल जाओ, प्रभु के गुनगाओ, वो फाइनल गुड है। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन हमारा, मिटा देते हैं, आपके लिए काम आएगा, लिख लेना इसको रजिस्टर में, मेंटेन कर लेना, नहीं तो वीडियोस तो है ही, लिंक में देख लेना। चलो जी अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का ये रहा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में क्या फर्क होता है जी? कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड पेपर में आता है, बहुत समझ लेना, बहुत मतलब टफ वाला क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, कैसे आऊंगा वो भी सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज आप अपने घर पे लाए हैं वो कंजप्शन गुड होती है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, कम चलने वाली, ज्यादा चलने वाली, बहुत चलने वाली। जैसे कम चलने वाली क्या होती है? सब्जियां, ये कंजप्शन गुड अगर आप अपने घर पे लाए हैं। ज्यादा चलने वाली क्या होती है? टीवी, फ्रिज, और भी ज्यादा चलने वाली क्या होती हैं? गाड़ियां वगैरह, जो घर के लिए हम खरीदते हैं, आपके पिताजी ने गाड़ी बाइक खरीदी है, ज्यादा चलती है, 5-5 साल, 4-4 साल, तो ये कंजप्शन गुड होता है। क्लियर है? और कंजप्शन गुड का मतलब डायरेक्ट कंजप्शन के लिए होता है। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड का मतलब है अगर मैं एक पंखा अपने घर लाया हूं तो ये तो है कंजप्शन गुड, पर अगर मैं पंखा अपने ट्यूशन के लिए लाया हूं, कोचिंग के लिए लाया हूं, फैक्ट्री के लिए लाया हूं, तो ये कैपिटल गुड है, क्योंकि वो पंखा किसके लिए चल रहा है? मेरे सभी एम्प्लॉय के लिए चल रहा है। उस पंखे लगाने से मेरे एम्प्लॉय को पसीना नहीं आता, वो मेरे लिए और काम करते हैं, मेरे को पैसा जनरेट करके देते हैं, ये कैपिटल गुड होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आता है। अच्छा, कैपिटल गुड भी हो सकता है, ड्यूरेबल भी हो सकता है, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा चलने वाला, कम चलने वाला, ये सब होता है। जैसे घर में चीनी आई, मैंने बताया ना, कंजप्शन गुड के लिए भी है। फैक्ट्री में चीनी आई, माना वो कंजप्शन के लिए पर आई है, कुछ भी हुई, पर वो एक तरीके से कैपिटल है। यानी मशीनों की बात कर रहे हैं, चीनी की बात ना करो तो इंटरमीडिएट, फैक्ट्री में इतनी छोटी बात नहीं करते। मशीनें वगैरह आई हैं, कंपनी ने ट्रक खरीदा, बस खरीदी है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ये कैपिटल गुड है। तो जिससे पैसे से पैसा कमाया जाए वो कैपिटल गुड होता है, और जिससे कोई पैसा निकालना घर में यूज करना है वो कंजप्शन गुड होता है। ठीक, अब अगली बात, ऐसे पेपर में आएगा, बस स्कूल बस परचेज बाय स्कूल बस परचेज बाय स्कूल, तो कौन सा गुड है? अब हम दिमाग लगाएं, स्कूल वाले बस लेके आए हैं और वो बस आगे बेच थोड़ी रहे हैं, ठीक है, बेच नहीं रहे हैं, वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए, स्कूल के लिए बस क्या हो गई? फाइनल गुड। माना कैपिटल गुड है, पर कौन सा गुड है? फाइनल है, याद रखना, क्योंकि माना वो पैसे से पैसा कमाएंगे, बस चलाएंगे तो बच्चों की फीस आएगी, बस की पैसे से पैसा कमा रहे हैं, पैसा लगाया, पैसा आ रहा है, पर वो गुड कौन सा? फाइनल। ऐसे ही आएगा ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर, फाइनल गुड है। समझ आ गया बच्चों? तो पेपर में फाइनल गुड है और वो कैपिटल गुड है, पैसे पैसा कमाया, पर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो मैंने लाइन बताई है, एक बार पढ़ लेते हैं बस ऊपर से, और कुछ नहीं है लिखा है भाई, ये 1 है कैपिटल गुड, कंजप्शन गुड, गुड्स विच आर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर से यूज होते हैं, फॉर मीट अ इमीडिएट नीड, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, तो कॉल्ड अ कंजप्शन गुड या कंज्यूमर गुड। अपने घर के अंदर जो भी सामान आ रहा है, गाड़ी, बाइक, सब्जी, डॉक्टर के पास जा रहे हो, बैंक की सर्विस ले रहे हो, बैंक की सर्विस ये होती है ना, पैसा जमा करना, अकाउंट अकाउंट, ये सब कंजप्शन गुड होता है। एग्जाम्पल फूड, शर्ट, शूज, सिगरेट,
ठीक है ना, सी ए वो पेन, रेडियो सेट, घर में टीवी कुछ भी ला रहे, मैंने बताया था अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबा समय चलने वाले सामान घर पे आते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज, नॉन ड्यूरेबल जिनकी लाइफ एक दो दिन होती है, फ्रूट, मिल्क, ऑयल, वेजिटेबल, डॉक्टर, टीचर, सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ एक साल तक होती है, बर्तन वगैरह घर में होते हैं, क्लियर है, बैंक की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, ये सब कंजप्शन गुड है, टीचर की सर्विस चाहिए होगी आपको, मेरी सर्विस चाहिए, तो आप उसको बेच थोड़ी रहे हो, आपने अगर परचेज की तो आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे घर में दो चीजें आती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक जो है गुड्स, गुड्स है, और एक आता है सर्विस, ठीक है बच्चों, ये हमारे घर पे आता है, मेरे भी आपके भी, अब हम बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर के जा रहे हैं ना, तो सर्विस आ गई, ठीक है, हम किसी को बेचे थोड़ी है, हमने डॉक्टर को पैसे दिए तो हमने बेचा थोड़ी उस किसी को दवाई, तो अपने लिए रखते हैं, और एक गुड्स, और गुड्स कितने तरीके के, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, लिख लेना पेपर में, ड्यूरेबल वो जिसकी लाइफ एक साल से ज़्यादा होती है, नॉन ड्यूरेबल जिसकी लाइफ दो तीन दिन होती है, सेमी ड्यूरेबल की लाइफ एक साल होती है, ऐसे आप छाट सकते हो घर में, सोचना और बताना, मेरे घर में बर्तन है एक साल के लिए, बुके एक साल के लिए, सर बुक तो सदा के लिए होती नहीं बच्चों, इलेवंथ की बुक तो इलेवंथ में काम आई ना, तो सेमी ड्यूरेबल है, क्लियर है, घर में गाड़ी है, बेड है, फर्नीचर है, अलमीरा है, ये सब जो है ड्यूरेबल के अंदर आता है, ठीक है। तो एक साल से ज़्यादा ड्यूरेबल, एक साल से कम नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल की मतलब, नॉन ड्यूरेबल मतलब होता है कि दो चार दिन, सेमी ड्यूरेबल मतलब एक साल होता है, एक साल से ज़्यादा मोर वन, इसका मान लिख देते हैं वन वीक, और इसका वन ईयर सिर्फ, तो वो सेमी ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और घर में ये लेते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं गुड्स, और इसे बोलते हैं सर्विस, ठीक, बड़ा सिंपल सा है। अगला आता है जी कैपिटल गुड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कंज्यूमर गुड इज यूज फॉर कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर, ठीक है। कैपिटल गुड का मतलब होता है जिससे पैसे से पैसा आएगा, लिखा था गुड्स विच आर ब्रॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएटली, जो अभी के लिए यूज नहीं होना, ऑफ कंज्यूमर बट प्रोड्यूसिंग अदर गुड आर कॉल्ड कैपिटल गुड, उसे कंज्यूम नहीं कर रहे, घर के लिए नहीं लाए हैं, उससे कुछ और काम होगा, घर ट्रक लेके आया हूं फैक्ट्री के लिए, तो ट्रक लाया हूं तो घूमने के लिए थोड़ी लाया हूँ, ट्रक में तो सामान जाएगा ना फैक्ट्री का, ठीक है ना, तो उससे और पैसा कमाना है मुझे, मैं ट्रक करता था किराए पे, मेरा पैसा उस पे जाता था, मैंने सोचा मैं ही ट्रक खरीद लूं, तो जिससे आगे प्रोडक्शन किया जाए, लिखा ना प्रोडक्शन अदर गुड्स, वो कैपिटल गुड है। तो भैया आगे के लिए जैसे टूल, इंप्लीमेंट, मशीन, ट्रैक्टर, बिल्डिंग, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स का मतलब होता है बिजली का बक्सा, आपने अपने ही लगा लिया, जनरेटर लगा लिया, जनरेटर किसे लगाएं, ताकि भैया लाइट चली जाए, तो भैया अपने यहाँ से हम लाइट खुद प्रोड्यूस कर लें, तो कैपिटल गुड है, ठीक है। ड्यूरेबल होता है जैसे कार परचेज बाय फर्म, ठीक है जी, और रॉ मटेरियल में भी आ सकता है, मैंने बताया कि कच्चा माल वगैरह जिससे चीज़ें होती हैं, और सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, और ये गुड ना इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इनडायरेक्ट कैसे, अबे फैक्ट्री वाले अगर बिस्किट बनाने वाला मटेरियल नहीं लेंगे या मशीन ही नहीं लेंगे जिससे बिस्किट बनता है, तो फिर पब्लिक को बेचेंगे क्या, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है, हाँ खाएंगे हम बिस्किट, मशीन नहीं, पर मशीन नहीं होगी तो बिस्किट बनेगा कैसे, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कंज्यूमर गुड बनाने में, कौन से गुड, कैपिटल। ट्रैक्टर ना हो, हल ना हो किसान के पास, तो फसल उगाएगा कैसे, सही बात है ना, तो कैपिटल गुड का मतलब होता है जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा, माना वो कंजप्शन के लिए, पर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, और कंज्यूमर गुड तो होता ही होता है, ये डायरेक्ट कंजप्शन के लिए होता है, ठीक है। लेट से मेरी फैक्ट्री है, मैं दोबारा अच्छे से समझाता हूं, मेरे घर के अंदर टीवी, फ्रिज, बाइक, गाड़ी, एसी, पंखा जो लगा है वो मेरे लिए, पर अपनी फैक्ट्री में टीवी, फ्रिज, बाइक, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी ला रहा हूं वो सबके लिए, और वो मैं पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को लेट से कह सकते सीईओ ही दे रहा हूँ, पर वो मेरे लिए कैपिटल गुड है, मशीन ला रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर, तो कैपिटल गुड है, तो कैपिटल गुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कंज्यूमर गुड फॉर कंजप्शन। होप मेरा नंबर कहीं नहीं गया, कोई भी पॉइंट हो स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक बार और मेरे से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर इनके क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं कि ये नेशनल इनकम में आता है या नहीं आता। ये था आज का क्वेश्चन नंबर टू, चलो जी आज का क्वेश्चन नंबर थ्री।
मैं ये याद रखना इस यूनिट में ना 10 क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैक टू बैक 10 कराऊंगा, मतलब ऐसे 1, 2, 3 सीरीज में, मैं कोई सा भी करा सकता हूं पर 10 जरूर होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन क्या है भाई और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है। सर ये वर्ड तो सुना सुना है, हाँ भाई सुना था, बेसिक के अंदर बताया भी था, रोहित सर तो थ्योरी तब पढ़ाते जब न्यूमेरिकल हो जाए। डेप्रिसिएशन किसी चीज का यूज होने पे पुराना हो जाना, मुझे पता है वो पुराना होगा होगा, या तो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड होगा या उसका यूज करने से पुराना होगा, इसे बोलते हैं जिस चीज का एहसास हो, इसे बोलते हैं अबस्टिकल, मतलब मुझे पता है, ठीक है जी, होगा एब्सोल्यूट आई नो कि मेरा जो ये बोर्ड भी पुराना होगा, मेरा ये पैन भी पुराना होगा, ठीक है ना, मेरे पास फैन लगा वो भी पुराना होगा, ये डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको ब्रीफ में बताना, पेपर में कभी कभी टीचर 3 नंबर का दे देता है। तो प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन इट इज कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बताया था डेप का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इट इज डिफाइन एज, इसका मतलब फॉल इन वैल्यू, वैल्यू गिर गई ऑफ कैपिटल गुड, जो चीज आप खरीद के लाए अपने पैसे उसे, ड्यू टू वियर एंड टियर, या तो यूज करने से या टूट जाने से, या फोरसीन ऑब्सोलेंस, फोरसीन का मतलब तुम्हें पता था तुम्हारी चीज पुरानी होगी, पता होना उसे कहते हैं फोरसीन ऑब्सोलेंस। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन टीचर वर्ड दे देता है, डेप्रिसिएशन नहीं दे कंजप्शन फिक्स कैपिटल, फोरसीन ऑब्सोलेंस, तो इसका मतलब याद रखना तुम्हें पता ही डेप होता है, फोरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब कोई चीज पुरानी होगी तुम्हें पता है। अब नोकिया का फोन 10 साल पहले आ रहा था, डिब्बे में पैक है, क्लियर है, उस पे लिखा 30,000 रुपए रेट, 10 साल पहले लॉन्च हुआ था पर डिब्बे में है दुकान वाले पास, तो मैं उसके 30 थोड़ी दे रहा हूं अब, क्योंकि मुझे पता है वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, उस समय वो महंग 30,000 की थी पर इस समय उसकी वैल्यू 3,000 की है, 3,000 की भी नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर को डेप्रिसिएशन कहते हैं। वी नोस दैट अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी चीज बनाओगे, कैपिटल गुड लाइक मशीन, टूल, बिल्डिंग, ट्रक, रेल, इंजन, रोड, सब कुछ वियर आउट होता है। वियर का मतलब होता है यूज, पहनना नहीं होता है। और यू कैन नॉट यूज मशीन फॉर एवर, आप किसी भी चीज का जिंदगी भर यूज नहीं कर सकते। तो अभी तक क्या सीखा है भाई के डेप्रिसिएशन का मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है, इसे फोर्सिंग ऑब्सोलेंस भी बोलते हैं, इसका मतलब है किसी चीज का वियर एंड टियर टूट जाना या यूज कर लेना, और किसी भी चीज का हम जिंदगी भर यूज नहीं कर सकते हैं, अच्छे से पेपर में लिखना है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद, तो आगे कहानी चलिए ये रहा आपके सामने। अच्छा भाई क्या लिखा, इट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो इट था वहां जो वर्ड हमने छोड़ा, इट था। तो भैया मशीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी, डिक्लाइन होगी, और नॉर्मल यूज इन प्रोडक्शन लीड टू फॉल। और भैया फैक्ट जो मशीन होती है, खुद सोचो एक गाड़ी है आपके पिताजी लाए और वो गाड़ी पुरानी हो रही, तो उतने तरीके की एवरेज देती है, सेम ऐसे ही होता है बच्चों। आप फैक्ट्री में मशीन लेके आए हो और शुरुआत के साल तो उसने बड़ा अच्छा तेज तेज काम किया, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि आप जिंदगी भर किसी चीज का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है डैप, आपने तोड़ी नहीं है, आप अच्छे से यूज कर रहे थे पर पुरानी हो जाती है, उसे बोलते हैं। तो डिक्लाइन विद अ नॉर्मल यूज, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती है, और इसी को बच्चों वियर एंड टियर कहा जाता है, क्लियर है। किसी चीज का हम यूज कर रहे हैं तो वो स्क्रैचेस आ जाना, यूज करना, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे हो जाना, इसे फोर्सिंग ऑब्सोलेंस को बोला जाता है। अगले को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये भी डेप्रिसिएशन। पता है मैं एक फोन चलाता हूं, ठीक है, और अच्छे से चलाता हूं, ठीक है, मैं उसको तोड़ता नहीं, कैचम कैच नहीं खेलता, अच्छे से कवर ववर लगा के सब, पर पुराना तो हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है ना, कितना भी अच्छा रख लो पुराना तो हो ही रहा है। तो क्या लिखा है, ऑब्सोलेंस इज अनदर रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस रेफर्स टू लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट, जो आपका आपने एसेट्स का मतलब क्या था, जो आपने पैसों से खरीदे चीज, गाड़ी, बाइक, कुछ भी, ये भी एसेट्स है जो मैंने खरीदा है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या उसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्लियर है, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई थी नोकिया फोन वाली ना, वही सेम, क्लियर है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो टेक्नोलॉजी बदल गई या फैशन बदल गया। अब मेरे पास ना एक मशीन थी जो जीन्स बनाती थी, बेल बॉटम, ठीक है, अब बेल बॉटम लोगों ने जीन्स खरीदना छोड़ दिया, तो मेरी इस मशीन क्या हो गई, फैशन की वजह से डेप्रिशिएट हो गई, मशीन तो है पर डेप्रिशिएट हो गई, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब डेप्रिशिएशन ही होता है, क्लियर है। टेक्निक पुरानी हो जाना, फैशन चेंज हो जाना, ऑटोमेटिकली चीज पुरानी हो गई। तो व्हाट इज अ डेप्रिशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, फोरसीन, क्लियर, बस ये पेपर में आ जाएगा, डेप बता दो तो अच्छे से लिखे आना, ठीक। अब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का आज आखिरी, और बात जो है खत्म हो जाएगी जो इसी से रिलेट है बच्चों।
सर वो बीच का नहीं करा, कराऊंगा अगली वीडियो में करेंगे, जो एक दूसरे से अटैच है वो करेंगे पहले, ठीक है। पहले तो हम मिटा देते हैं। रोक रोक के वीडियो देखो, बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं भैया आपको, ईगो में कोई हराएगा नहीं, अच्छे से सीखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, हाँ जी वो आता है भाई, पार्ट है वो तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में आएगा बच्चों, ध्यान रख लेना। ये कैपिटल गुड लिखा है, इसको ठीक कर लेना है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। ऊपर से ही क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, बड़े अच्छे से सिखाता हूं। मैं एक मशीन लाया, यूज कर रहा हूँ कई सालों से यूज कर रहा हूँ, क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन। मशीन लाया, भूकंप से टूट गई, चोरी हो गई, ये है कैपिटल लॉस, आग लग गई मशीन में, जो चीज पता ही ना हो, नॉट एक्सपेक्टेड इज कैपिटल लॉस, पुरानी हो जाना, धीरे चलना, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन, बस बात खत्म। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेपर में आता है ये, याद रख लेना, क्लियर है? तो धीरे धीरे समझाते, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्या होता है डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स की वैल्यू गिर रही है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, आप यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, टाइम के साथ वो पुराना हो रहा है, फेसिस ऑफ टाइम का मतलब ये होता है। पर कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन, पता ही नहीं था, कभी सोचते हो फोन लाया मैं लेके जा रहा, चोरी हो गया, हाथ से स्नैचिंग होगी, कभी सोचूंगा स्नैचिंग हो जाएगी? अनफोर्सीन, जो पता ही ना हो, मेरा फोन पुराना हो गया मुझे पता था, एंड नेचुरल क्लैमिटीज, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इसलिए मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया, टूट गया, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन मतलब द मशीन या एसेट्स गेट रिड्यूस ड्यू टू वियर एंड टियर, अनएक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड दैट कि ये पुराना होगा, पर अनफोर्सीन, मुझे पता ही नहीं है, दैट्स इट, क्लियर है। अगली लाइन प्रोविजन, क्या प्रोविजन मतलब होता है? किसके लिए पहले से सोच के रखते हो, प्रोविजन मतलब होता है सोचना, किसके लिए पहले क्या चीज सोच के चलोगे, यार मेरा फोन 2-4 साल में पुराना हो जाएगा, यार मेरी मशीन 2-4 साल में पुरानी हो जाएगी, ये सोचे चलो, ये थोड़ी सोचो यार मेरा फोन ना चोरी हो जाएगा, ये कौन सोचता है भाई? भाई भूकंप से टूट जाएगा, भाई मैं ऊपर सो रहा था छत का पंखा गिर गया फोन पे, ये कोई सोचता है? तो भैया प्रोविजन, प्रोविजन मतलब किसके लिए सोचा जाता है और किसके लिए पहले से बक्सा बना के रखते हो कि भैया जो है हम इसको खरीदेंगे आने वाले सालों में जब ये चीज अच्छे से घिस लेंगे, तो इट इज एक्सपेक्टेड लॉस, तो प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ फंड, पहले से फंड बना के रखते हैं इंसान, इज मेड फॉर इट, इट इज अनएक्सपेक्टेड, किसी को पता ही नहीं होता, इसके लिए कोई फंड वगैरह नहीं बनता, बच्चे को एकदम से दुख हो जाता है, आज फोन लाया कल चोरी हो जाए, शिट। तो भैया जहां पता ही ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो, वो कैपिटल लॉस कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस, आप एक बात बताओ, आपके पास फोन है, कैसा भी घिसा पिटा, कॉल तो लग रही है, मैसेज तो आ रहे हैं, तो आपका कोई प्रोडक्शन या कॉल वॉल रुक रही है, मेरी फैक्ट्री में मशीन है धीरे चल रही पर है तो कुछ तो कर रही है, मशीन ही चोरी हो जाए तो क्या करूंगा? तो क्या लिखा प्रोडक्शन प्रोसेस? इट डज नॉट रिट्रार्ड, रिट्रार्ड का मतलब होता है रोकना, एक वर्ड लिख लेना अपने नोट्स में, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे फिर बिटाना होता है, तो इट डज नॉट रिट्रार्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, रिट्रार्ड मतलब रोकना, रोकना, ये रोकता नहीं है, मशीन पुरानी चल तो रही है ना, पर यहां तो मशीन ही चोरी होगी, इट रिट्रार्ड इसका मतलब होता है रोकना द प्रोडक्शन प्रोसेस, खत्म। कैसे करोगे, मशीन ही चोरी होगी, भूकंप में टूट गया, ठीक है जी। तो ये हो गया जी, क्लियर है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है, और अगली अगली वीडियोस में ऐसे 4-4 करके कर लेंगे, क्वेश्चन 40-50 करने हैं हमें, अच्छे से देखना, ज़्यादा बोर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी वीडियो भी, ठीक है।